आप फ्रेंड ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्रेंड, ये जो कपड़ा मैंने जो पोटी ले लिया है यहाँ पर, इसको हम क्या करना है, आपको थोड़ा सा कम लेना है, इससे कम लेना है। और आप ये टेक्निक को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम फोल्ड करके कर सकते हैं और इसको सीधा करके इस मेजरमेंट से एडजस्ट करके अब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमारा पट्टी जो है ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए हम आपको समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो फ्रेंड, तो आप लोगों को अब जब इस डिज़ाइन आपको करना है, आपको क्या करना है, इसके ऐसे आपको घुमाकर आपको देखना है जब किस टाइप का, किस मेजरमेंट आपको चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं और आप अगर नेक में अगर करोगे तो आप कर सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो, अब ये डिज़ाइन बॉटम में कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिच करना है आपको, ठीक है। आप इसको, मैंने तो इसमें ऐसा किया है और इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया, आप इसको इससे छोटा कर सकते हो और इसको भी बड़ा कर सकते हो, इसको भी बड़ा कर इतना कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हो गया और ये तीनों हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम दिखाएंगे और एक टेक्निक हम आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे कि ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन हमने क्या है, ये डिज़ाइन आप देखिए, और ये डिज़ाइन हमने कैसे किया है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पहले वाला जो दिखाया, पहले वाला जो हमने दिखाया, इसको ऐसे थिकनेस बनाना है, मगर ये है अलग है, ठीक है। तो ये मैंने सेम कलर में किया हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो देखिए, ये जरा ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉर्ड है और इसको ऐसे करना है, दोनों पट्टी लग रहा है ये, ठीक है, ये कैसे करना है और इसको कैसे करना है, हम ये दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड। और इसको देखिए, ये बहुत ही नैरो है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, मगर ये राउंड शेप हो रहा है, ये हम दिखा रहेंगे ये सब हम कैसे करते हैं। हम तो आप लोगों को समझाने के लिए ये छोटा कपड़ा में कर रहे हैं, आप भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको एक पट्टी लेना है, देखिए हमने जो पट्टी ले लिया है इसका मेजरमेंट डेढ़ इंच है, ठीक है। तो डेढ़ इंच का हम जब ले रहे हैं, इसको ऐसे करना है आपको। आप पहले कोई चीज़ में आप लगा सकते हैं, उसके पहले आप ये कर लीजिएगा, ठीक है, फोल्ड करके ऐसे करना है आपको। स्टिच पहले भी मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, स्टिच जितना आप धार में कर सकोगे बहुत सही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे करना है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टिच को जरा क्लोज करके काट लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक पट्टी को लेकर ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब इसको ऐसे दिखा सकते हो, मगर ये जो रोल मैंने किया हुआ है ये पर, ये फ्रेंड रोल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अलग सा पैटर्न है, तो वो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये और एक टेक्निक है, ये ऐसा है और इसके बाद आप ऐसे कम कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टिच अगर डालोगे तो नेक में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, मगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ,
ये सीधा पट्टी जाकर मैं ऐसे अलग से कर रहा हूँ। ये कोई चीज हमने ऊपर में नहीं दिखा है, ये सीधा रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मेरा ये तो पका हो गया। इस पट्टी ये सीधा साइड है, एक पट्टी लगाकर ये मैंने फिनिश किया हुआ है। ठीक है, और ये चला गया, मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर से एक और पट्टी हम काटेंगे और थोड़ा सा थिकनेस हम कम कर लेंगे इसका, 1 इंच का हम काटेंगे इसको, और इसको ऐसे करना है। नेक में बहुत सारा टेक्निक है, तो हम जो जो दिखा रहे हो आप इससे सीखे, बाद में हम इससे भी ज़्यादा हम देंगे और कि माने कौन से टेक्निक में हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारा टेक्निक है फ्रेंड। ये देखिए आप इसे कैसे कर सकते हैं।